वेलकम के ट्रेड मॉर्निंग आउटलुक के साथ मैं हूं अशाम। कल की मार्केट को देखा जाए तो मार्केट ने अगेन एक अपने न्यू हाईस को रीच करना शुरू कर दिया है और जो क्लोजिंग मार्केट ने दी है वो तकरीबन 91,900 के करीब दी एंड तकरीबन 1000 पॉइंट्स पॉजिटिव मार्केट क्लोज हुई थी। इससे यही एक चीज़ इंडिकेशन मिल रही है कि मार्केट काफ़ी सारे जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं उनको फैक्टर इन कर रही है, उनको एब्जॉर्ब कर रही है और उसी का इम्पैक्ट जो है वो इन्वेस्टर्स की साइड से इन अ सेंस ऑफ पॉजिटिव सेंटिमेंट नज़र आ रहा है। इन्हीं कुछ वजूहत में एक सबसे बड़ी वजह हमने ये भी देखी कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके अंदर 250 BPS पॉइंट्स का कट एज़ पर एक्सपेक्टेशन किया गया एंड इसकी वजह से हम ये देख सकते हैं कि आज की मार्केट में स्पेशली जो साइक्लिकल स्टॉक्स हैं जिसमें सीमेंट, स्टील्स एंड ऑटोज आ जाते हैं उसमें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। अदर देन दैट फर्टिलाइजर्स एंड पावर सेगमेंट के अंदर भी हम देख सकते हैं कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका कंटिन्यूस रहेगा। इसके अलावा एक और चीज़ नोटेबल इसके हवाले से अगर बात की जाए तो ये हाईएस्ट रेट कट स्टेट बैंक की तरफ से किया गया है और अब जो इंटरेस्ट रेट है वो 15% के ऊपर आ चुका है और अगेन हम ये देख सकते हैं कि इसकी वजह से लोकल्स प्लस फॉरेनर्स की तरफ से एक अच्छा बायर सेंटिमेंट आज की मार्केट में देखा जा सकता है। इसके अलावा अक्टूबर के महीने में तकरीबन 8.74% तक के सीमेंट डिस्पैचेज हुए वो इंक्रीज़ हुए जो कि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट तो नहीं है बट एक रिलैक्सेशन या एक रिलीफ इन्वेस्टर्स के लिए लेके आ सकते हैं जो यूजली सीमेंट सेक्टर के अंदर काम कर रहे होते हैं क्योंकि अंडर वैल्यूड स्टॉक्स कुछ दिनों पहले हम देख रहे थे वो रहे थे बट हमने देखा कि बिकॉज ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी प्लस इस न्यूज़ की वजह से इसके अंदर फर्दर एक पॉजिटिव मोमेंटम बन सकता है। आज की मार्केट को देखा जाए तो मार्केट प्राइमरीली एक पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर ही लग रही है। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस बीइंग कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके अंदर एक एज पर एक्सपेक्टेशन इंटरेस्ट रेट कट का दिया गया जिसकी वजह से हम ये देख सकते हैं कि साइक्लिकल्स जैसे मैंने मेंशन किया सीमेंट, स्टील्स एंड ऑटोज उसके अंदर हम काम देख सकते हैं जिसमें कुछ नोटेबल स्टॉक्स हैं मेपल लीफ सीमेंट आ जाता है, DGKC स्टील्स के अंदर मोगल एंड इंटरनेशनल स्टील को कंसीडर किया जा सकता है, ऑटोज के अंदर HCAR एंड GAL को कंसीडर किया जा सकता है फॉर टुडेज़ ट्रेडिंग। थैंक यू।